अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज की इस वीडियो में मैं जो लोग रिसर्च पेपर में इंटरेस्टेड होते हैं, जो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं और जो नए नए होते हैं जिनको चीज़ों का नहीं पता होता, उनके लिए लेकर आया हूँ, या जो लोग थीसिस करते हैं उनके लिए लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपके पास एक पिक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक पिक्चर है और मुझे इस तरह की चार पिक्चर्स हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक किसी चीज़ का आरटीपीसीआर लगाया है, और या मैंने किसी चीज़ का जो है एक डाटा लिया है, मैंने उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस बाद मैंने लिया है। तो मैं कहता हूँ कि ये कार्गन से ये आया है, ये कार्गन रिजल्ट है, और एक कार्गन से रिजल्ट ये आया है। मुझे मेरे सुपरवाइजर या जो मैं जिसके पास मैंने पेपर सबमिट किया है, वो मुझे कहते हैं कि आप पहले तो इसको लेबल करके दें और दूसरा आप इन चारों को एक ही फाइल में कन्वर्ट करके दें, एक ही पिक्चर में होगा। बहुत से लोग ऐसे तरीके यूज करते हैं जो कि इलीगल होते हैं। इलीगल से मुराद होते हैं जो आपकी पिक्चर की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। इसको करने से ये है कि एटलीस्ट जो आपकी पिक्चर की क्वालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा, आप लोगों को पता है जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो आपकी इमेजेस होती हैं, फिगर्स होती हैं, उनको टीप फाइल में आप लोगों ने अपलोड करना होता है, और इसके नतीजे में जो कंबाइंड फाइल आप रिसीव करेंगे वो टीप में ही रिसीव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लेना है और आपने उसको ओपन करना है। ये आपके पास ओपन हो गया तो आपने इसको क्लियर कर लेना है ताकि यहाँ पे किसी किस्म का कुछ मौजूद ना हो। इसको क्लियर करने के बाद आपने सिंपल यूं करना है, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर्स में आके दिस डिवाइस, और जहाँ पे आप लोगों ने ये आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं आपने बारी बारी जो है वहां से उसको इंसर्ट कर देना है। दिस फिगर्स, और ये देखें, ये मैं इसको पहले ग्रेल इंसर्ट कर देता हूं। ये मैंने चार पिक्चर्स ऐड करनी है तो मैं इसको एक साइड पे लगा देता हूँ, इसको थोड़ी सी अलाइनमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट पिक्चर को ऐड करता हूँ, जो मैं इसके बाद ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और फिर मैं इसकी भी अलाइनमेंट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब इसको कर्सर रख के ऊपर नीचे करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि दूसरी पिक्चर की इक्वल है या नहीं है। देखें, ये शो कर रही है, ये रेड लाइन, इट मींस ये इक्वल है। उसके बाद देन थर्ड वन, थर्ड वन मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं इसको जो है यहाँ पे इसको इंसर्ट करूंगा। देखें, अब ये इंसर्ट हो रही है, देखें अब ये इंसर्ट हो गई है। अब इसको मैं यहाँ पे सेटिंग करता हूँ और इसके बिल्कुल इसके नीचे थोड़ा सा इसको संभाल कर देता हूँ ताकि एक साइड पे आ जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि मुझे कितना आना चाहिए, और मैं इसको थोड़ा सा इसको और इसको इकट्ठे, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको भी करूंगा, ये बताएगा कि हाँ दिस इज गुड। यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखिए, अब इस तरह से जो है फोर्थ पिक्चर को हमने ऐड करना है। वन भी ऐड जाती है। अब इसको हमने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सेट करके फिर हमने यहाँ पे इसको जो ये देखें दिस इज एक्सप्रेशन नो, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। देखिए हो गया, इधर से हम इसको करेंगे तो ये इसको देगा, यस ये देखिए। इसी तरह से यहाँ से भी हम इसको देख लेंगे,
और यहाँ से भी हम देख लेंगे। तो ये जो है, अब ये चार इमेजेस एक साथ हो गई। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, चारों को हम एक साथ क्लिक करके यहाँ ग्रुप में आके इसको ग्रुप बना देंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया, लेकिन यहाँ पे एक इशू आ गया, स्टॉक हमारा छुप गया। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, और इसलिए हमें ये भी थोड़ा सा, सॉरी, हमें सिर्फ ये भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, और इसको हम थोड़ा सा इसके साथ मिलाते हैं ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। अब ये मिल गए, ठीक है। अब ये जो है, दिस इज अ कंप्लीट ग्रुप। हम फिर इसको भी इसके ग्रुप के साथ मिला देंगे, पहले हमने नहीं मिलाया। तो अब ये देखेंगे, जो एक कंप्लीट इमेज बन गई है, एक ग्रुप में की फॉर्म में बन गई। हम चार इमेजेस को एक साथ मिला के एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद हम चाहते हैं जी सारे ग्रुप सेम हो, तो हम अलग अलग इधर आएंगे, कलर पे आके हम सेट ट्रांसपेरेंट कलर कर देंगे इस पिक्चर को। देन इसको क्लिक करेंगे, कलर पे आके हम देन ट्रांसपेरेंट कलर कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी इमेजेस हैं उनके जो है कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और एक जैसा हो जाएगा, किसी किस्म की नहीं होगी। ये हो गया। अब सेकंड स्टेप इज दैट कि हमने लेबल करना है। जब हम लेबल करते हैं तो हम इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स में आके हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं, यहीं पे ऐसे बड़ा सा करते हैं, बेस्ट ये है। यहाँ पे लिखें ए, ए के बाद देन टैब, टैब के बाद यहाँ पे बी, और देन इसको ऐसे करते हैं, दिस इज सी, देन टैब एंड दिस इज डी। ये है। अब जी क्या करना है, इसके बाद फिर हमने इसको सेलेक्ट करना है, और देन हमने ये सेलेक्ट करना है, और इसको ग्रुप बना देना है। इस ग्रुप बनाने के बाद ये हमारी एक कंप्लीट, चार इमेज से हमने एक बना दिया, जो कि आपने देखा होगा बहुत से रिसर्च पेपर में होते हैं। तो अगर आप एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें इतना करेक्ट वे से नहीं बनेगा जितना कि माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस काम के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे मिडिल में क्लिक करना है, लेकिन मिडिल में मुराद है कि ऐसी जगह क्लिक करें कि सारे जिसमें ये है कोई हमारे पास वो ना हो। अब हमने यहाँ पे आना है और सेव पिक्चर एज में आना है। सेव पिक्चर एज जब हम करेंगे, हम यहीं पे इसको कर देते हैं डेस्कटॉप पिक्चर में, हम इसको कर देते हैं पिक्चर कामरान, हम कामरान लिखते हैं। फिर हम जो है इसको टिफ में चेंज कर सकते हैं। टिफ में अगर हमने करना है कि हमारे पास हाई और क्वालिटी, अब हमने इसको टिफ में चेंज किया है, ये सेव हो गए। अब है ये हमारे पास कामरान टिफ है, और हम अब देख सकते, हमारे पास ये ए की पिक्चर आई है। आप देख सकते हैं ए बी सी डी, और चारों का जो लेआउट है वो भी सेम है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इन चंद स्टेप को करने से हम एक कंप्लीट और एक हैवी फाइल इमेज हम हासिल कर सकते हैं, जिसके जो है किसी किस्म के, अगर हम जूम भी करेंगे तो किसी किस्म का प्रॉब्लम हमें नहीं होगा, और ये रिसर्च पेपर वाले भी इस पे कोई एतराज नहीं करते। इसके अलावा अगर हमने अलग अलग पिक्चर को लेबल करना है, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, यहाँ पे जो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे पास एरो शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमने ए बी सी डी लेबल करना है, तो हम फिर अलग अलग से इसके ऊपर इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स के बाद इस तरह से हम लिखेंगे ए, और ए करने के बाद हम इसको सेटिंग करके इसके साथ हम ग्रुपिंग करेंगे। जब हम ग्रुपिंग करेंगे तब जो है हमारे पास जो इमेजेस आएंगी वो एक इमेज में आएंगी। अगर हम इसको, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, इस सारे को मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अगर अब मैं इसको सेव करूँगा, अनग्रुप करके इसको सेव करूँगा, तो जो है ये देखें अनग्रुप होते जा रहे हैं सारे। अगर मैं अनग्रुप करके इसको सेव करूँगा तो वो पिक्चर सेव होगी जिसके ऊपर कर्सर होगा, पूरी पिक्चर सेव नहीं होगी। इसीलिए आप जब इसको सेव करें तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लें, ग्रुपिंग करने के बाद आप इसको सेव करें तो एक कंप्लीट इमेज सेव होगी। इसके अलावा जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बैंड्स होते हैं उनको लेबल करते हैं, उनको लेबल करने का भी बेस्ट वे यही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हैं
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आके आप उसको यहाँ आए और बैंड्स के ऊपर जो है आप अपने कर्सर की मदद से आप जो है उसको इंसर्ट करें। इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें, वहाँ पे फिर ए बी सी डी दें और उसको अलाइनमेंट करें और उसके साथ ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग करने के बाद आप उसको पिक्चर में सेव करें और एज अ टिफ फाइल सेव करें। टिफ फाइल के बारे में एक बात बताता चलूँ, ये आपके पीसी में ओपन होगी, लेकिन अगर आप इसको सेलफोन में ओपन करना चाहेंगे तो टिफ फाइल कभी ओपन नहीं होगी, तो इसलिए आपने घबराना नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।